प्रॉपर बाणा पा के गतका भी सीखना है, घुड़सवारी भी सीखनी है, मानता प्रताप होगी। अमृतधारी होना चाहिए, गैर अमृतधारी लाइसेंस नहीं रख शास्त्र नहीं रख सकता। एक साल बाद न्यू करवाना पड़ेगा। जे तुम अमृत तोड़ता फिर कैंसल है। देखो जो आप पंथ की सेवा करनी है, हूँ थोनू मैनू गतका आता नहीं, श्री साहब फड़ी हुई है, जेड़ा थोड़े से लड़न पऊ अगला खोखी लै जो थोड़े तो। सत श्री अकाल जी। अक्सर असं देखते हैं कि तुम सुनते हो भी गन का लाइसेंस बनाना है, पिस्टल का बनाना है, वो वास्ते एक पूरी प्रक्रिया होंगी हैगी कि किस तरह के नाल तुम कल आप घर कोई हथियार रख सकते हो, पर अज तुम दिखाने कि जो शस्त्रां के लाइसेंस बनते हैं वो किमें बनते हैं गे, तो किस तरह के नाल आखिरकार एक पूरी रीत चलती आ रही है लंबे समय तो। इतने शस्त्रां के नवे लाइसेंस बनाए जाते हैं, रिन्यू किए जाते हैं। बुढ़ा दल दे वालों जो कहा जाए कि जिम्मे सिख पंथ के निंग सिंह फौजा ने जिहड़ियां निंग सिंह फौजा आखिर जिहड़े शस्त्र रखदियां ने, तो उन्होंने वालों ही उन्होंने लाइसेंस भी जारी होंगे ने। इस दे नाल ये भी होंगे भी जिस तरह के नाल जिहड़े आम जिन्होंने अमृत छकया होयागा अमृतपान किया होयागा, तो वो लोग जिहड़े कोई शस्त्र आपके नाल रखते हैं, तो जो वो निंग सिंह फौजा के नाल जुड़ जाते हैं तो वह भी आपके घर शस्त्र रख सकते हैं। तुम देखो कि उरे एक पूरा दफ्तर चल रहा है, बाबा जी बैठे ने गे, उन्होंने भी गल करने की कोशिश करा। तो बिल्कुल जिमें एक कोई आर सी होंगी कही कि गन का लाइसेंस बनता, उस तरह के नाल कापी लाइसेंस इन्होंने ये भी उ बना रहे हैं। बकायदा स्टैंप लगती है, रिकॉर्ड रखा जाता हर एक बंदे का, तो जो फिर एक मिथी तरीक भी होंगी, पुछांगे बाबा जी कि किन्ने समय का बनता, तो यह फिर उदू बाद फिर जो इन्हों रिन्यू भी करवाना पैंदा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया जी तुम दिखाने, बहुत सारे लोगों को यह पता तो है, तो सब तो वड्डी गल तुम दसा यह जिहड़ा लाइसेंस बना के देंदे ने उहदे ते बकायदा मूहरे लिखा होया एक्ट दे नाल कि आखिर जदों तुसीं ट्रेन च भी जाने हो तो तुहानूं किराया माफ़ है निंग सिंघां नूं। तो वह हालांकि एक दिन तुहानूं असीं वीडियो च पहलां दिखाया सी कि कदों होया सी माफ़, कदों होया सी माफ़ ते किस तरह के नाल शुरुआत हुई सी। उदों तो बाद आ गई गल कि वह हुंदा किवें आ, ये नहीं हुंदा भी निंग सिंह ने गए तो उन्होंने किराया माफ़ आ, बकायदा तौर पर रिटन दे विच जिहड़ा एक एक्ट हैगा तो कदों किने करिया वह पूरा लिखा होया। जिवें तुहानू नाल नाल असीं वीडियोज़ च जिहड़े चीज़ां दिखा रहे हैं, हुण ये भी एक परिवार आ जिहड़ा चंडीगढ़ तो आया, हालांकि घर दे विच कहिंदे सी शस्त्र रखणे ने, तां उहदे करके कल नूं जे कोई पुलिस भी पुछे जां कानूनी रूप च भी पुछण तो असीं दिखा सकदे हां कि असीं बुढ़ा दल दे नाल जुड़े हुए हां। तो इस तरह के नाल जिहड़ा यह लाइसेंस बन जाता। हुण करदे हां गलबात दा भी कि आखिर की कहिंदे ने कि किवें किवें रखते ने गे, तो यह पूरा परिवार है जिहड़ा लाइसेंस बनवाना है। तुम दिखा माड़ा जिहा दिखा दो जी आपका कि थोड़ा बनया लाइसेंस इन्होंने, देखो जिहड़ी माता जी ने बनाया गा, तो ये तो पूरे देखो बकायदा स्टैंप लग गई है। तो हूँ हो सरदार साहब जो देखा जाए ये फिर की जी एक फायदा हो जाता, या फिर की ये एक रीत का हिस्सा बन जाने? देखो एक तो असं आए कितों पहला, मैं चंडीगढ़ हूँ जी, सैक्टर 41 पिंड पैंदा अपना बटेला। एक तो हो गया भी सहजधारी सिख, एक हो गया असं अमृतधारी सिख बन गए, एक हो गया भी असी हूँ खालसा पंथ के एंटर हो गए। ये लाइसेंस का मतलब थोड़ी खालसा पंथ में एंट्री होगी, तो हूँ तुम बाने के भी धारनी हो सकते हो, तो हो सकते नहीं, थोड़ा कंपलशन होगी, हूँ थोड़ा बाणा भी पाना है, प्रॉपर बाणा पा के गतका भी सीखना है, घुड़सवारी भी सीखनी है, तो यह थोड़ा मानता प्रताप होगी, मान है ना, मानता प्राप्त हो गया भी जिन्हें भी है अपने श्री साहब होगी कृपान खंडा साहब हो गया, जिन्हें 7-8-10 तरह के शस्त्र कोई भी रख सकते हैं, फिर पुलिस ये प्रशासन थोड़ा कह नहीं सकता कि तुम क्यों रखे, सानू हुक्म है ना, ये गवर्नमेंट के हिसाब ना, इन्होंने एक्ट के हिसाब ना, इन्होंने अथॉरिटी मिली हुई है सरकार तो।
सेवा करनी है हुण थोनू मैनू गतका आउंदा नहीं सीरी साहब फड़ी हुई है जिहड़ा थोड़े ते लड़न नूं पऊगा अगला खोखी लै जू थोड़े तो सानूं चलाउणा नहीं आउंदा इस करके लाइसेंस बनाउणा भी जरूरी है इत्थे आओ साडी तां संगतां नूं बेनती है आके जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया अमृत छको जिन्हां ने अमृत छक लिया वो आके शास्त्रां दा लाइसेंस बनाओ इत्थे आके गतका सीखो गतका सीख के घोड़सवारी सीखो गड्डियां तां रख दियां हौली हौली हुण घोड़े भी रखने पैणे आ कहण दा मतलब इह आ वी तुहानूं पूरा जिवें कहदी तैयार पर तैयार करना इह नहीं नाम दा नहीं हैगा तैयार पर तैयार रहना पवेगा पंथ दी सेवा लई सारी लुकाई दी सेवा लई तैयार रहना पवेगा ते पंथां लई अवेयर हो के अपने खालसा पंथ लई सानूं अपने हक्कां लई इत्थे आवांगे हर चीज़ की अवेयरनैस मिलेगी अपने हक लिए खड़ना लड़ना बहुत सारे लोगों को कई अजिंह चीज़ें खैर कई बार शायद पता ही नहीं होंगे चलो वो तो ठीक है भी जो जुड़े हुए हैं उन्होंने पता होंगे या कहीं सुन लाते हैं यही पता होंगे भी कह जी चीज़ सू सुन के ही हौली हौली जो पता लगे हम पुलिस ने रेड की है जगह जगह शस्त्र चुके अमृतसर जलंधर इधर हौली हौली फिर पता लगे भी लाइसेंस बनते हैं लाइसेंस जरूरी है तो लाइसेंस लिए सब तो पहली इन्हों की शर्त है भी अमृतधारी होना जरूरी है गैर अमृतधारी लाइसेंस नहीं रख हथे शस्त्र नहीं रख सकता ठीक है ना जी बनाते भी नहीं होने ना बनाते हैं जी तो अमृतधारी सिंह लई ही यह इन्हों मानता प्राप्त है तो हर सिंह लई असीं तां बेनती करते हैं सिंह सिंघणियां इत्थे पहुँचो हौली हौली अमृत छको पंथ की सेवा करो बीबी जी ने भी बनवाया हाँ बीबी जी ने भी बनवाया जी हाँ जी बिल्कुल ये चीज़ जिवें कही है कि सरदार साहब ने कि आखिर ये चीज़ें पता होनी चाहिए ने ताइयों करके साडा भी शस्त्र रखने का मतलब ये नहीं है भी असीं जुलम करना है ना जिस तरह तो हुण पहला आपां की नाम लेंदे होंदे सी गुरु साहब ने कृपान चलाई है मीरी ते पीरी चलाई है ना पहला तलवार कहिंदे होंदे सी कृपान का मतलब की है भी कृपा कृपा तो वो असी गऊ गरीब की रक्षा लई ते अपनी रक्षा लई जे कोई चढ़ के आज भी दुश्मन फिर असी यूज करना है पर वो यूज करने लई सानू सीखना जरूरी है सीखण दे लाइसेंस जरूरी है सारा सिस्टम है हाँ एक पूरा सिस्टम है जो कहा जाए ये भी एक पूरा सिस्टम नाल होएगा क्योंकि हर एक चीज़ जो अज के समय असं देखते हैं तुम देखो बाबा जी पूरी गौर नाल पहला रिकॉर्ड भी चलाते हैं पूरा उन्होंने बनाते भी ने ही जो देखा जाए तो अगे जिमें लिखा हुआ बकायदा तौर पर कि किहड़े एक्ट के अधीन है जिहड़ा ये बनाया जाता है खैर ये चीज़ देखा जाए जिस तरह के नाल चीज़ा बन दया ने गिया तो असं देखते भी हाँ तो लाइसेंस है जोड़ा वह भी उस तरह के नाल बनाया जाता है तो नाल भी की जाती हैगी वीडियो जर्नलिस्ट अमन के नाल समीत सिंह रोजाना स्पोक्समैन टीम चंडीगढ़।